स्टेट पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीजेपी अपने कृष से आगे बढ़ी है और कांग्रेस अपने कृष से फिर आगे बढ़ेगी। दरभंगा भी एक सीट दिया था बिहार से, दो ही सीट पूरा देश में मिला था। ऐसा मत कोई राजनीति करिए कि फिर पुनर् मुस्को भवा पर आइए। रांची में जो निकला है 300 करोड़ रुपया, आज का नहीं आजादी से पहले का व्यापार है, उसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? कि हम लोग तो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हम लोग का अधिकार है। आप जान रहे हैं मिथिला के में शादी हुई थी तो मेरा क्या अधिकार होगा, आप समझ सकते हैं। सीता जी कहाँ की थी, शादी हुई अभी कि नहीं, वहां से लोग जा रहे हैं, तो ये संबंध है। नेपाल का कोई हम लोग मदेशी कहला रहे हैं, उसका संबंध को आप मत करिए। राम मंदिर का न्योता उन्हीं लोग को ना आएगा, क्या आएगा, कितने लोग को आएगा आप जान ही रहे हैं ना, कहेंगे 250 लोगों को जाएगा, 2500 लोग। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ अचानक 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंच गए, जहां उन्होंने अंदर तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की। वहीं राबड़ी आवास से बाहर निकलते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के डर से भाजपा अभी से ही बौखलाहट में है और विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। इसके अलावा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, जरा वो सुन लीजिए। कोई डैमेज है ही नहीं तो कंट्रोल का क्या बात है, कोई डैमेज है ही नहीं, लोग अपना अपना, कहीं कोई ताना तानी है ही नहीं। जिनका सोच है उनसे बात करिए, कुछ लोगों का सोच है और जो सोच है शायद वो सफल होंगे कि नहीं वो समझेगा, देखा जाए। ये हमेशा मान के चला जाए कि हर एक पार्टी, नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनना चाहती है, कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन नेशनल पार्टी में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीजेपी अपने कृष से आगे बढ़ी है और कांग्रेस अपने कृष से फिर आगे बढ़ेगी। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है तो हम उस दिन भी याद दिखाना चाहेंगे कि दरभंगा भी एक सीट दिया था बिहार से, दो ही सीट पूरा देश में मिला था। ऐसा मत कोई राजनीति करिए कि फिर पुनर् मुस्को भवा पर आइए। हरेक का जो ज्यादा बोलेगा वो ईडी टीडी के चक्कर में आएगा, तो ये तो बात है, ये तो मान के चलिए। चैनल पर ज्यादा हम आएंगे तो हमारे पीछे भी ईडी आएगा, तो अगला आप लोग भी आइएगा, ये मान के चलिए। पूरे देश में और ये रांची में जो निकला है 300 करोड़ रुपया, आज का नहीं आजादी से पहले का व्यापार है, उसको कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? व्यापार करने वाला ये इसी ढंग से सोचिएगा, अपना इनकम टैक्स अपना ये देता है, आजादी से पहले से देता रहा है, उड़ीसा से लेकर के सब जगह रांची का, चूंकि उसे मुझे पद गिरिराज सिंह ने, क्या सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, नथिंग ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पूरे देश में इस हालात से सबके मन में है कि पता नहीं, अरे किसी को फेंकने का क्या कहे, न्यायालय पर कोई फेंकता है लेकिन न्यायालय क्या भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या गति है, तो हमको तो नहीं कहना है कि जब नथिंग कोई ऐसा नहीं है। अरे ये सब चीज प्रक्रियात्मक है, चलता रहेगा, किन्हीं के पीछे कोई है तो चलता रहेगा, उसको किसको कहिएगा कि आप रुक जाइए, वो तो अपने प्रक्रियात्मक है, इसके ऊपर भी तो न्यायालय है, न्यायालय के दबाव बना रही है, हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन जो है आपके सामने में है, उतना ही बात करें जितना है, उससे ज्यादा नहीं है तो क्यों हम बात करें। पलिता में आग लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, पलिता में आग लगा रही है उतना ही समझिए, आग लगा रहे। एक सवाल आया कि आपने कहा कि आप तीर्थ यात्रा करके लौट रहे हैं, इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ये इंडिया गठबंधन के लोग 22 तारीख से पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा में बाधा पहुंचे, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हम लोग तो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हम लोग का अधिकार है। आप जान रहे हैं मिथिला के में शादी हुई थी तो मेरा क्या अधिकार होगा, आप समझ सकते हैं। हम जो कहना चाहते हैं उसको तो उस अधिकार के तहत हम बोल रहे हैं ना, कि हमारा सीतामढ़ी, हमारा मधुबनी, सीता जी कहाँ की थी, शादी हुई अभी कि नहीं, वहां से लोग जा रहे हैं, तो ये संबंध है। नेपाल का कोई हम लोग मदेशी कहला रहे हैं, उसका संबंध को आप मत करिए। राम मंदिर का न्योता उन्हीं लोगों को ना आएगा,
क्या आएगा, कितने लोग को आएगा आप जान ही रहे हैं ना। कहेंगे 250 लोग को जाएगा, 2500 लोग को, लेकिन सबको कहेंगे आप ही को न्योता दे रहे हैं। पूरा नेपाल से लोग जा रहे हैं, जनकपुर से जा रहे हैं, सीतामढ़ी से जा रहे हैं, सबों को मिलेगा, किसको मिलेगा आप जान ही रहेगा। भाई दर्शन करने के न्योता, बिना न्योता का भी हम लोग इतना ही कहेंगे कि रिश्ता कुछ और है, उस रिश्ते को समझिए, बनावट में अब इतना ही कहेंगे। तो अभी आपने प्रदेश के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ को सुना है, किस तरीके से बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि भाजपा बेचैनी में है अपने हार को देखकर। साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से राम जी का संबंध मिथिलांचल से जोड़ते हुए उन्होंने किस तरीके की बातें कही, आपने खुद सुना है। 2024 को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सब पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट ग्रुप में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।